हाय एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर रईस बाबर, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैटिका पेन रिलीव एक्सरसाइज। तो आज हम पांच ऐसे स्ट्रेचेज की बात करेंगे जिनकी हेल्प से हम सैटिका पेन को कम कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि जो सैटिका क्या होता है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसकी और इसकी एक्यूट कंडीशन में कौन सी ट्रीटमेंट है, जो हमने L4, L5 और S1 का डिस्क प्रोलैप्स है, फर्स्ट वीडियो में हमने वो आपसे उसकी वीडियो शेयर की थी कि आपने सबसे पहले स्पाइन की स्ट्रेचिंग करवानी है, आपने उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवानी है एक्यूट कंडीशन में। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे आफ्टर 2 to 4 वीक में आपने कौन से ऐसे स्ट्रेचेज करवाने हैं जिनसे आप सैटिका पेन से रिलीफ मिल सकता है। चलें जी, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें जी, शुरू करते हैं हम अपना पहला स्ट्रेच। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ कि कौन से ऐसे स्ट्रेचेज हैं जिनकी हेल्प से हम सैटिका पेन को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने हिप को आपने 90 के एंगल में आपने होल्ड कर लेना, 90 के एंगल में होल्ड करना है और यहाँ से आपने पकड़ लेना है, ऐसे थाई को आपने पकड़ लेना है। आपने करना क्या है, आपने अपनी लोअर लेग को आपने ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करना है। अब तो जिनको सैटिका पेन बहुत ज़्यादा है उनके लिए तो बड़ी डिफ़िकल्टी होगी ऊपर लेके जाने में, लेकिन ये करनी है। ये करेंगे फिर आपने करना क्या है, डोर्सीफ्लेक्शन करनी है। डोर्सीफ्लेक्शन मींस आपने पाँव को अपनी तरफ खींचना है, फिर आप इसी तरह ऊपर उठाएंगे लेग को, फिर आपने डोर्सीफ्लेक्शन करनी है। डोर्सीफ्लेक्शन मींस आपने पाँव को अपनी तरफ खींचना है, फिर रिलैक्स और फिर नीचे ले, फिर आप ने होल्ड रखना है। ये 3 to 5 सेकंड आप होल्ड रखेंगे इसी तरह, फिर ये 1 2 3 4 5 रिलैक्स अगेन, फिर आप इसी तरह करेंगे और ये आप करेंगे 10 रेपिटेशन के साथ करेंगे। 10 रेपिटेशन के साथ करेंगे और आपने होल्ड रखना है, 3 to 5 सेकंड आप होल्ड रखेंगे ये स्ट्रेच को, आपने 10 रेपिटेशन के साथ करेंगे सेकंड। फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी राइट नी को बंद कर लेना है और आपने इधर अपने पाँव को इधर रखना है। अब क्या करना है, आपने आपका ये जो वाला राइट वाला हाथ है आपने इसको इधर रखना है, अपने नी पे रखना है और आपने ऐसे मूव करना है। आपका जो स्पाइन है आपका वो स्टेडी होगा, आपने नेक को आपने अपने शोल्डर को स्टेडी रखना है। आपने सिर्फ पेरिफोर्मस मसल की स्ट्रेचिंग करवानी है। हमारा जो ये वाला मसल है, हमारे जो बैक, ये जो है हमारे जो थाई का मसल है, आपने इसको स्ट्रेच ऐसे, ये भी आप होल्ड रखेंगे 3 to 5 सेकंड आप ऐसे होल्ड रखेंगे, 1 2 3 रिलैक्स, फिर आप रिलैक्स, ये भी आप 10 रेपिटेशन के साथ करेंगे। चलें, इसके बाद आते हैं फिर हमारी थर्ड एक्सरसाइज आती है, वो तो मोस्टली लोग करते भी हैं। वो आपने क्या करना है, नी टू चेस्ट करना है, आपने यहाँ से पकड़ना है, नी को बंद करना है, फिर आपने नी को खोलना, फिर आप इसी तरह आप नी को बंद करेंगे, होल्ड रखेंगे 3 सेकंड आपने होल्ड रखना है, 1 2 3 रिलैक्स अगेन, फिर 1 2 3 4 5 रिलैक्स, ये भी आप 10 रेपिटेशन के साथ करेंगे। फिर जो हमारी लास्ट वन एक्सरसाइज है, आपने करना क्या, आपने नी आपने टांग को ऐसे ऐसे मूव करना है और इस तरह, अब आप राइट टांग की हेल्प भी ले सकते हैं, आप राइट टांग की हेल्प की मदद से आपने ये 4K की पोजीशन में आपने अपनी लेग को बंद कर लेना। अब करना क्या, आपने इधर आपने अपना एक हाथ अपने नी पे रखना है और एक हाथ से अपने पाँव को पकड़ना है, आपने इस तरह स्ट्रेच करवाना, आपने इस तरह आपने स्ट्रेच देना है और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी थाई और ये जो काफ मसल है इसको बंद कर ऐसे 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 करो, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने डिस्टेंस रखना है, ये फासला क्रिएट करना, इतना फासला होना चाहिए, इस उस फासले की ही मदद से आपका जो प्रीफॉर्मेंस मसल है उस पर स्ट्रेच आएगा। ऐसे आप ऐसे करेंगे,
फिर रिलैक्स अगेन। इसी तरह आप करेंगे 3 to 5 सेकेंड आप होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स। चलें जी, तो चलें अब हम चलते हैं अपनी 5th एक्सरसाइज की तरफ। उसमें आपने करना क्या है, आपने आपने अपनी जो शोल्डर है उसके बिल्कुल सामने ही अपने हाथ रखने हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, आपने जो अपने ये हाथ है इसके बिल्कुल सामने ही नीज रखनी, ऐसे रखनी है। और आपने इसमें करना क्या है कि अपने फोरामेंस, अपना जो केनाल है उसको आपने खोलना है। तो उसमें करना क्या है, आपने अपनी बटक को हील पे बिठा देना है ऐसे, और ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है। इस तरह आपने फिर आप ऐसे, फिर आपने क्या करना है, ऐसे 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 आपने स्ट्रेच, और आपने 3 to 5 सेकेंड होल्ड रखना है, फिर ऐसे, फिर आप इसी तरह करेंगे, होल्ड रखेंगे 3 to 5 सेकेंड, फिर रिलैक्स। चैलेंज तो जी, ये सिंपल से 5 स्टेच हैं जिनकी हेल्प से हम साइटिका पेन को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।